4 फरवरी को दलित संगठन बादरचन्नैया होर्ता होर्ता समिति कन्नड़ समर्थन संगठन ने विपक्षी नेता सिद्धरामैया को एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें मांग की गई है कि दलित विरोधी रहीम खान को बेदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बीदर में एक निजी होटल के हॉल में दलित संघर्ष समिति, भीमवाड़ा दलित सेना, बादरचन्नैया होर्ता समिति, कर्नाटका दलित अल्पसंख्यक सेना और कल्याण कर्नाटका निर्माण सेना द्वारा संयुक्त रूप से बुलाए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित संगठन ने रहीम खान को कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं देने की मांग की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पत्रिका गोष्ठी 1 तारीख फरवरी 2023 आज का ये पत्रिका गोष्ठी शशिकांत पुलिस पाटिल चौड़ी को कांग्रेस का टिकट देना बोल के ये हमारे संगठन पूरा मिलके आज एक पत्रिका माध्यम से हम आपको आपके साथ में हैं। इसमें क्या है समझो, 1952 से लेकर आज तक ये बीदर के लिंगायत को कभी कांग्रेस का टिकट नहीं दिए, ये रिकॉर्ड है। बीदर गैजेटियर में आप देख लिए, बीदर के इतिहास में 1952 से लेकर जो ये हुआ जब से लेकर वही लिंगायत को नहीं दिए। आप बोलते होंगे दिए बोल के, क्यों बोलते हो? एक बार दिए थे समझो माणिकराव वीर शेट्टी कुशनूर यहाँ के लोकल के नहीं, उन्हीं आंध्र के गुरुपादप्पा को दिए थे, गुरुपादप्पा लोकल का नहीं, उन्हीं औरवत के। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि क्यों लिंगायत तो 75,000 लोग जो वोटर्स है तो भी यहाँ के लिंगायत को नो वेयर करे कांग्रेस, इसके बारे में अंदाज़ा लगाओ कि हम बोलते हैं कि अब के बार अगर लिंगायत समाज अगर जागृत हो तो शशिकांत तो लिंगायत के दावेदार को आप सपोर्ट करना, शशिकांत पुलिस पाटिल को सपोर्ट करना बोल के उनके क्यों बोलो तो ये एक राजकीय ध्रुवीकरण का एक चिंतन है, ये सामान्य बात नहीं है। उसने हमारा जो ये है आज मान्यवर रहीम खान साहब वो विधायक है लेकिन सबको बहुत वजन हो गए, क्यों बोलो तो आज तक उन्हें कौन सा भी काम नहीं करे। किसके बारे में वजन हो गए? किस किस के बारे में बोलो तो दलितों को वजन हो गए, क्यों बोलते हो? दलित के ओणी में दलित के गली में रोड नहीं बना, एससी और एसटीपी वर्क नहीं हुआ, और कौन से भी अगर अंबेडकर अभिवृद्धि निगम से अगर लोन आता है तो उनको भी उन्हें नहीं करा, तो उनके उनके चेला कौन है उनको एक दो को करके ये करता, अभी तक उन्हें उनका ये दलित के विरोध है। तो इसलिए ये लिंगायत समाज को आज जो MLA टिकट अगर MLA मिलता है तो ये BJP यहाँ स्ट्रांग नहीं होता था, यहाँ कांग्रेस वाले अगर BJP टिकट अगर लिंगायत को देता है तो कुछ लोग इनके साथ आते हैं, लिंगायत के साथ आते हैं।